हेलो माय लवली फूडीज, वेलकम टू निधिस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राखी स्पेशल चॉकलेट बॉल की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी एंड क्विक बनके तैयार हो जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो पहले आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली हर हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉनबॉन बिस्किट लिया है और अभी सारे बिस्किट को मैं पैकेट में से निकाल देती हूँ। सारे बिस्किट के यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। सारे बिस्किट के अभी मैंने टुकड़े करके रेडी कर लिया है। अभी मैं एक मिक्सर जार लेती हूँ और इसके अंदर अभी डाल दूँगी और इसका एकदम बारीक वाला पाउडर रेडी करेंगे हम लोग। ये पाउडर बना के मैंने रेडी कर लिया है बिस्किट का और इसे मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका बारीक पाउडर ही रेडी किया है। इसके अंदर बिस्किट का एक भी टुकड़ा रह नहीं गया है, इसीलिए इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे दूध लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम दूध को और इसका डो रेडी करेंगे। अभी हमारा ये बिस्किट के पाउडर का डो बनके रेडी हो चुका है और अभी हम इसके बॉल रेडी करेंगे। बॉल बनाने के बाद हमें हाथों से इस तरह से इसे स्प्रेड करना है और इसके अंदर हम किशमिश और कैश्यू नट डाल के इसे फिल करेंगे इसके अंदर और फिर वापस हम इसे सील करेंगे। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको सील करना है और वापस हम इसका बॉल रेडी करेंगे। ये हमारा बॉल बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से मैं सारे बॉल को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे मोर्डे कंपनी का डार्क कंपाउंड लिया है और वो 150 ग्राम्स लिया है और नाइफ से अभी मैं इसे बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ और अभी हम इसे डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से इसे मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले के अंदर 2 ग्लास जितना पानी रख दिया था और इसे बॉईल करेंगे और इसके ऊपर अभी मैंने ये कांच का बाउल रख दिया है। आप चाहो तो स्टील का वेसल भी कोई भी रख सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अभी हम इसके अंदर थोड़े थोड़े लम्स है वो भी अभी हम स्पून से हिलाते रहेंगे तो आराम से ये मेल्ट हो जाएगी। अभी हमारी ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है और अभी हम इसके अंदर जो हमने बॉल रेडी किया था वो बॉल को इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से हम इसके ऊपर चॉकलेट को कोट करेंगे और 2 फोर्क की हेल्प से हम इसे बाहर निकालेंगे और एक्स्ट्रा चॉकलेट हम इसके ऊपर से हटा देंगे। और यहाँ पे डिश पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल रखा है और इसके ऊपर हम रख देंगे। सारी चॉकलेट को इसी तरह से हम रेडी करेंगे। दूसरा बॉल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और फोक से मैं उठाऊंगी और इसे एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल दूंगी और फिर एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर हम रख देंगे। सारी चॉकलेट को हम इसी तरह से तैयार करेंगे और फ्रिज में हम इसे आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रखेंगे। फ्रीज में से हमने चॉकलेट को बाहर निकाल दिया है और चॉकलेट के आसपास में जो एक्स्ट्रा वाला चॉकलेट है इसे हम नाइफ से निकाल देंगे और इसे फिनिशिंग दे देंगे। सारी चॉकलेट को इसी तरह से हमें फिनिशिंग देना है। अभी साइड में मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करने के लिए रख दिया है। जिस तरह से मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया था उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पर वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर रही हूँ और मैंने वाइट चॉकलेट को 100 ग्राम्स लिया था, वो भी मोर्डे कंपनी का ही था। ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक दूध की थैली ली है और इसके अंदर मैं वाइट चॉकलेट को डाल रही हूँ। दूध की थैली को मैंने धो के सूखा के साफ़ कर लिया था। इसे सुखाना ज़रूरी है, इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए, हमें ध्यान रखना है।
और अभी मैं इसे रबर बैंड लगा के इसे फिट कर लूँगी। इस तरह से हमें कॉर्न शेप देके इसे रेडी करना है। अभी मैं नाइफ से इसे कट लगा देती हूँ। हमें एक छोटा सा कट लगाना है इसका, और मैं वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही हमें इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है और हमें इसका डिज़ाइन बनाना है। बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी हो जाता है, लेकिन हमें संभाल के करना पड़ता है फिनिशिंग के लिए। सारी चॉकलेट को इसी तरह से मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। सारे चॉकलेट बॉल्स के ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट लगा के रेडी कर लिया है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे सेट करने के लिए, जिससे वाइट चॉकलेट हमारी अच्छे से बॉल के ऊपर सेट हो जाए। हमारी चॉकलेट बॉल्स बनके तैयार हो चुकी है। इस राखी के ऊपर आप ज़रूर बनाइएगा इस चॉकलेट बॉल्स को। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। हैप्पी कुकिंग।